आज शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र जीत और उपचुनाव में जीत के बाद करेंगे संबोधन। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में एक है तो सेफ है के लगे पोस्टर, पोस्टर में महायुति के सभी बड़े नेता। महाराष्ट्र में सीएम के लिए फडणवीस का नाम आगे, बीजेपी अध्यक्ष फडणवीस से मिलने पहुंचे। प्रवीण दरेकर ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की मांग की। महाराष्ट्र के वाशिम में देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगे, पोस्टर में फडणवीस को बताया महाराष्ट्र का सीएम। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर बोले फडणवीस की अगुवाई में प्रचंड जीत, वहीं सीएम के लिए सबसे फिट। मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, इंडिया टीवी से बोली देवेंद्र फडणवीस की मां। दिन रात पार्टी मेहनत करते हैं देवेंद्र, परिवार के लिए समय नहीं रहता। प्रचंड जीत पर देवेंद्र फडणवीस का पहला ट्वीट लिखा, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। जीत के बाद अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को फोन पर दी बधाई, एकनाथ शिंदे अजीत पवार ने भी की बात। प्रचंड जीत के बाद सीएम चेहरे पर बोले शिंदे, ये तय नहीं था कि जिसकी ज्यादा सीट उसका सीएम, तीनों पार्टियां मिलकर सीएम पर फैसला लेंगी। चुनाव नतीजे के बाद उद्धव ठाकरे पर शिंदे का तंज, जनता ने बता दिया कौन असली शिवसेना। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ एकनाथ शिंदे ने जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। मायावति की जोरदार जीत पर सुनीता पवार ने जनता का धन्यवाद किया, बोली अजीत पवार ने बारामती में जो विकास किया उसकी वजह से यहाँ की जनता के जीवन में बदलाव। सीएम पद को लेकर बोली अजीत पवार की पत्नी, मैं भी चाहती हूँ अजीत पवार बने सीएम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महायुति को दी जीत की बधाई, एक्स पर लिखा पीएम मोदी के नेतृत्व की डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी, ऐतिहासिक जीत के लिए महायुति को बधाई। महाराष्ट्र में नतीजों के बीच मुंबई बीजेपी का ट्वीट, दो तस्वीरें शेयर कर लिखा छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों ने औरंगजेब को, श्रेष्ठ मानने वालों को हराया, टाटा बाय बाय खत्म। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े का रिएक्शन, बोले मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में मिली जीत, शिंदे फडणवीस अजीत ने मिलकर लड़ा चुनाव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महाराष्ट्र में जीत पर जताई खुशी, महाराष्ट्र के मतदाताओं को जताया आभार। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने पर सीएम धामी ने जताई खुशी, कहा मैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ। सीएम शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का रिएक्शन, कहा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जीते, एनडीए ने केवल गाली कलौज की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले महायुति के पक्ष में जनता ने भर भर के वोट दिया, जीत के पीछे पीएम मोदी के विकास की भूमिका। रुझान में पिछड़े तो संजय राउत को गुस्सा आया, बोले कुछ तो गड़बड़ हुई है, शिंदे के सारे उम्मीदवार कैसे जीत सकते हैं। नाराज संजय राउत बोले ऐसे नतीजे आ ही नहीं सकते, जनादेश की चोरी की गई है, महाराष्ट्र में बेईमानी हुई है। संजय राउत ने इसे महाराष्ट्र की जनता का फैसला मानने से इनकार किया, कहा ये नतीजे कबूल नहीं, महाराष्ट्र में ऐसा रुझान असंभव। संजय राउत पर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का पलटवार, का संजय राउत को पागलखाने में कराया गया भर्ती। प्रवीण दरेकर बोले गाली गलौज से जीत हासिल नहीं होती, महाराष्ट्र की जनता ने विकास पर वोट किया। महाराष्ट्र में एनडीए का मतभेद सामने आया, सुप्रिया सुले बोली आज ईवीएम पर चर्चा का दिन नहीं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, महाराष्ट्र के परिणाम हमारे विपरीत गए हैं, हम झारखंड में अपनी सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। परिणामों के बीच बीजेपी का उद्धव पर बड़ा हमला, सुधीर मुनगंटीवार बोले कुर्सी के लालच में उद्धव हारे, उद्धव को गद्दारी की सजा मिली। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने महाराष्ट्र के नतीजे को कहा प्रत्याशित, बोले लोकसभा चुनाव में जो बहुमत मिली थी वो अचानक गायब कैसे हो गई। मुंबई की मुंबा देवी सीट से शिवसेना प्रत्याशी शायना एमसी सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची चुनाव नतीजों से पहले की पूजा अर्चना। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान, बांटो और राज करो की राजनीति कर रहा है इंडिया अलायंस, जनता बीजेपी के साथ। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन बोले देश पीएम मोदी के साथ, विकास सत्य के साथ है। महायुति की जीत पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर जश्न। मुंबई बीजेपी ऑफिस के दफ्तर में जश्न का माहौल, मुंबई बीजेपी ऑफिस में लाए गए 2000 लड्डू। झारखंड में गांडेय से जेएमएम की कल्पना सोरेन ने चुनाव जीता, सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन। झारखंड में जेएमएम प्लस को बढ़त मिलने के बाद पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न, उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। झारखंड में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ वरिष्ठ नेताओं की बैठक, तारिक अनवर और राजेश ठाकुर भी बैठक में शामिल। यूपी के कुंदरकी में 71 साल बाद बीजेपी की जीत, 60% मुस्लिम आबादी वाले इलाके में करीब 1 लाख वोटों से जीते बीजेपी के रामवीर सिंह। यूपी विधानसभा उपचुनाव परिणाम पर बोले मंत्री संजय निषाद, जनता ने हमें काम के आधार पर वोट दिया, सपा के पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं। यूपी उपचुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, एक है तो सेफ है, एक है तो जीत है। इंडिया टीवी से बोले यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, महाराष्ट्र यूपी उपचुनाव में जीत का श्रेय मोदी योगी को।
मीरापुर से AIMIM उम्मीदवार अशरद राणा का आरोप, लोकतंत्र की हत्या की तरह चुनाव को अंजाम दिया गया, प्रशासन ने पूरी तरह से मतदान पर प्रतिबंध रखा। रॉबर्ट वाड्रा ने वायनाड की जनता का जताया आभार, कहा मेरी पुकार थी कि प्रियंका गांधी को संसद में एक सांसद के रूप में होना चाहिए, जनता की आवाज को वे बुलंद करेंगे। प्रियंका गांधी पर बोले गौरव भाटिया, नकली गांधी का व्यक्तिगत खिलाफ कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी हानि। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में विजयपुर सीट से बीजेपी के राम निवास रावत की हार, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे राम निवास। कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को डीके शिव कुमार ने कहा विकास की जीत, बोले ये 5 गारंटी आम आदमी और विकास की जीत है। शाम 5 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल, पंजाब चुनाव में जीत को लेकर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित।